सिंध में आने वाली शदीद बारिशों के अंदर कल इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया कि जिस वक्त गडाप मीर खान गोट और ये बिल्कुल बहरिया टाउन के मुत्तसिल इलाका है और ठड्डो डैम के करीब की कोई बोलाड़ी नदी यहाँ से गुजरती है। रात यहाँ पे एक पहर पे पानी का एक शदीद रेला यहाँ से गुजरा और इस पूरे गांव को जो है यहाँ पे उसके बहा के ले गया। यहाँ पे इस वक्त यहाँ पे अलखदमत की टीम के हमराह हम यहाँ पे मौजूद हैं। इस वक्त यहाँ सर्वे चल रहा है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक यहाँ पे कोई 20 के करीब मकानात मुकम्मल तौर पे गिर गए हैं और सैकड़ों मकानात जो हैं वो काफी हद तक उनका नुकसान हुआ है। अब यहाँ पे पानी का लेवल कुछ 3 से 4 फीट और 5 फीट तक रहा है और एक फ्लैश फ्लड की वजह से सारा सामान जो है वो बहा के यहाँ ले गया है। यहाँ पे जो लोगों का जरिया माश है वो मवेशी हैं और यहाँ पे इस वक्त के कोई 50 से 60 मवेशी जो हैं वो हलाक हो चुके हैं और यहाँ के लोग जो हैं इस वक्त खुले आसमान के तले बैठे हैं। यहाँ जो है इस वक्त हम अलखदमत की टीम यहाँ पे फौरी तौर पे पहुँची है, यहाँ पका पकाया खाना लेकर आई है और यहाँ पे जो मुतासरीन को टेंट फराहम किए जा रहे हैं। ये खलके खुदा की ये प्यारों की खिदमत। तलावी जिले से जहाँ पर लोग मुतासिर हुए हैं साथ साथ इस मीर खान गोट का एक प्राइमरी स्कूल है और मस्जिद है, इस यहाँ भी काफी नुकसान देखने में आया है। इस वक्त हम यहाँ पे सर्वे मुकम्मल करेंगे और जैसे जैसे तफसीलात आती रहेंगी हम अपने इमदादी कार्रवाइयों का दायरे को बढ़ाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। ये सबसे निराला है मंशूर खिदमत।